अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शो बुटीक व्यूअर्स। इस खूबसूरत सी प्यारी सी फ्रॉक के लिए हमने जो स्टफ़ लिया है वो मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। ये स्टफ़ व्यूअर्स काफ़ी खींचने वाला, स्ट्रेचेबल है और जिस तरह से अपना जर्सी का कपड़ा होता है इस तरह से है, स्ट्रेचेबल है और प्रिंटेड ये वेलवेटी सा कपड़ा है। तो व्यूअर्स, इसके लिए कंट्रास्ट में फिर मैंने येलो कपड़ा ले लिया है, सिल्क कतान का। तो सबसे पहले हम अपना घेरा निकाल लेंगे जिसको मैंने फोर फोल्ड कर लिया है। फोर फोल्ड करके हमने इसको रख लिया है। इसके व्यूअर्स हम लोगों ने चौड़ाई इसकी ले लेनी है 27 इंचेस ली है और इसकी लेंथ हमने व्यूअर्स ले लेनी है, इसकी लंबाई हमने ले लेनी है 29 इंचेस। तो व्यूअर्स, ये हमारा कपड़ा रेडी हो गया है घेरे के लिए। और इसके बाद जो हमने इसका इनर वाला घेरा बनाना है सिल्क कतान का, उसको हमने व्यूअर्स इस तरह से फोर फोल्ड करके रख लेना है। क्लोज्ड वाली साइज हमने अपनी साइड्स हमने अपनी तरफ रख लेनी है इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ये चेक करें, दोनों साइड्स हमारी फोल्ड साइड्स हमारी तरफ आ चुकी हैं। 4 इंचेस पे व्यूअर्स हमने इसका छोटा सर्कल बना लेना है। 4 इंचेस पे हमने ये सारे मार्किंग करके इसको सर्कल बना लेना है। अब इसकी हमने जो टोटल लेंथ है 26.5 इंचेस वो पूरी रख लेनी है और इसको व्यूअर्स हमने इस तरह से निशान लगाते जाना है और सर्कल बना लेना है। व्यूअर्स, मेरे पास ये इतना ही कपड़ा है और मैं इसी में सारा अपना काम करूँगी। तो हमारा ये सर्कल कट हो चुका है जो हमने इनर अपना फोल्ड करना है। तो व्यूअर्स, मेरे पास यही कपड़ा बचा है जिससे मैं अपने बाकी एक्स्ट्रा ख़र्चा निकालूंगी। तो हमने अपना जो चोली का पार्ट है वो फोल्ड करके रख लेना है। डबल फोल्ड करके मैंने 13.5 इंच की चोली की लेंथ ली है और इसकी जो चौड़ाई ली है 9 इंचेस व्यूअर्स है। हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ व्यूअर्स मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रखा हुआ है। आप लोगों ने बैक पार्ट नहीं रखना, मैंने गलती से रख लिया था तो बाद में मुझे इसको कट करना पड़ा क्योंकि बैक पे हमें एक्स्ट्रा का कोई काम नहीं है। तो हमने फ्रंट पे ही सिर्फ एक्स्ट्रा अपना रखना है, जो भी रखना है 1 इंचेस हमने एक्स्ट्रा इसको मार्किंग कर लेनी है, इसकी लाइन लगा लेनी है और बाकी की अपनी सारी इस पर मेजरमेंट्स लेनी है। 6.5 इंच पे हमने इसका तीरा रखा है, 6.5 इंच पर ही इसके शोल्डर की लेंथ रखी है, गोलाई देंगे। 8 इंच हमारी चेस्ट है, 7 इंचेस हमारी वेस्ट है और मार्जिन हम रख लेंगे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, 2.5 इंचेस हमारी नेक होगी। तो व्यूअर्स, चोली हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोगों ने चोली की जो है 2.5 इंचेस जो नेक का हमारा अराउंड आएगा वो हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह हमने मार्किंग कर लेनी है। 2.5 इंचेस पे मार्किंग करके जो हमारा 1 इंचेस एक्स्ट्रा पार्ट था व्यूअर्स, उसको हटा के 2.5 इंचेस पे हमने मार्किंग कर लेनी है। इसको स्ट्रेट कर लेना है, जितना यानी कि हमारा नेक होगा उसको हमने मार्किंग करके ले लेना है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि ये हमारा लेफ्ट साइड ही होना चाहिए, जो जिधर हम अंगरखा भी कटिंग करते हैं अपना, तो हमारा लेफ्ट साइड ही होता है। इसको हमने कटिंग कर लेना है व्यूअर्स। फिर हमने इसको, पहले भी आप ये काम कर सकते हैं, सेंटर को कुटके लगा लेने हैं और फिर इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन आना है। व्यूअर्स, दूसरी साइड पे भी हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद व्यूअर्स, हम लोगों ने जो अपना इस तरह से हमारी शेप आएगी उसके लिए हम लोगों ने इसको पलटने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ करना है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा जो अम्ब्रेला में से बचा था वो मैंने ले लिया है। उसको इस तरह से हमने अपने चोली के ऊपर रख लेना है और इसको हमने जहाँ तक हमारा नेक आ रहा है व्यूअर्स वहाँ से ये मार्किंग कर लेनी है और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हमने कपड़े में ले लेना है। नीचे से भी हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है और इधर से हम लोगों ने ऐसे कर्व देना है तो उसका भी हम लोगों ने निशान लगा के
इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। नीचे वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि हमारी चोली का जो कपड़े काफ़ी स्ट्रेचेबल है, तो ऐसा ना हो कि वो खींच के लंबा हो जाए और हमारा ये वाला फैब्रिक छोटा हो जाए, तो हम लोगों ने एहतियातन इसको लंबा रख लेना है। डोरियां, गोल डोरियां हमने बना लेनी है। थोड़ी सी मैंने मोटी डोरियां इसकी बनाई है, 2 2 2.5 इंचेस की हमने ये डोरियां कटिंग कर लेनी है। 2.2 इंचेस की मैंने रख ली हैं और इसको हम लोगों ने बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट कर लेना है। डोरियां हमने काट ली हैं व्यूवर्स, इस तरह से हमने बना के इसको एक साइड पे रख देना है और अपना जो इनर वाला फैब्रिक है इसको उठा लेना है और उसकी उल्टी साइड पर हम लोगों ने इस तरह से, जो ये देखें ये हमारी इस तरह से हमने इसको पलट के फोल्ड करना है, इसको इस तरह से स्टिच करना है। तो इसकी दूसरी साइड पर व्यूअर्स, जो हमारी सीधी साइड होगी, इधर हमने मार्किंग करनी है। तो 2.5 इंच हमारा जो गले की मार्किंग थी वो हमने लगा लेनी है और उसके बाद 1.5 1/2 इंच के फासले पर हमने निशान लगाना है और 1.5 1/2 इंच के फासले पर ये लूप्स बना के हम लोगों ने लगाने हैं। फिर सिंपली इस वाले फैब्रिक पे पहले हमने लूप्स अटैच कर लेने हैं ताकि वो दूसरे फैब्रिक पे जब हम इसको रखें तो इजीली बस स्टिचिंग हो जाए। लूप्स हमारे इस तरह से व्यूवर्स सारे कंप्लीट हमने कर लेने हैं। ये लूप्स हमारे लग चुके हैं। अब हम लोगों ने अपना जो फैब्रिक है वो ले लेना है और इस तरह से इसके ऊपर रखना है, सेंटर से सेंटर मिला के, और नेक का जो भी पार्ट हमारा था उसको ले लेना है। जहाँ से हमारा नेक एंड होगा वहाँ पर हमने 1/2 इंच का स्टिच करना है। 1/2 इंच का स्टिच करने के बाद फिर उसके बाद पूरी हमने स्टिचिंग इसकी सिंपल कर लेनी है। स्टिचिंग करने के लिए वेवर्स हमारा, क्योंकि जर्सी सा कपड़ा था, स्ट्रेचेबल कपड़ा था, तो उसके नीचे मैंने पेपर रख लिया है ताकि नीचे वाला कपड़ा हमारा इजीली स्टिच हो जाए। स्टिच करके इसको हमने कोने पे कट लगा देना है और इसको पलट लेना है। अच्छी तरह से पलटने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करके इसको हमने बिठा लेना है। तो प्रेस करके हम व्यूवर्स आ चुके हैं और इस तरह से ये चेक करें कि इस तरह से हमारा गले का डिज़ाइन आना है। तो व्यूवर्स इसके बाद हम लोगों ने अपनी दूसरे वाले पल्ले को उठा लेना है, लेफ्ट साइड वाले को। तो इसके लिए मैंने एक पट्टी कट कर ली है 1.75 इंचेस की और इसको हमने फ्रंट साइड से स्टिच करके, पेपर मैंने रख लिया है नीचे, और इसको स्टिच करके फिर इसको भी हमने पलट लेना है। पेपर हमने रिमूव कर देना है। इसको अच्छी तरह से प्रेस करके हम ले आएंगे। प्रेस करके इसकी प्रेस हमने बिठा ली है, फोल्डिंग हमने बिठा ली है। सिंपली इसको स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमने ट्रिम कर देना है। तो ये लुक हमारी जो चोली की है वो आ जानी है, डिज़ाइन हमारा ये बनना है। तो इसके बाद व्यूवर्स, जो हमारा ये वाले पल्ले का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने किया था, इसकी भी फोल्डिंग करके फिनिशिंग कर लेंगे। इसको तरपाई भी कर सकते हैं ताकि और भी खूबसूरत लुक आए। तो इन दोनों पल्लों को व्यूवर्स हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, जैसे काज पट्टी एक दूसरे के ऊपर रख के हम स्टिच करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर रख के इसको एक कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है। तो इसके बाद हमने बैक पल्ला अपना उठा लिया है। बैक पल्ले को मैंने, जो एक्स्ट्रा मेरा कट हो गया था, वो मैंने सारा ट्रिम कर दिया है फ्रंट पार्ट को रख के। तो इसका हमने बैक नेक कटिंग करना है, शोल्डर से शोल्डर ज्वाइन करके। एक्स्ट्रा हमने 1/2 इंच बैक की सिलाई कर रख के फिर इस तरह से हम लोगों ने इसको गुलाई दे देनी है। तो ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो इसके ऊपर मुश्किल से चाक चल रही थी,
बैक नेक हमने कटिंग कर लिया है और नीचे वाली साइड पे वेवर्स हमने इसके प्लेट्स लगाने हैं। बैक साइड्स पे दोनों तरफ हमने इसके प्लेट्स लगाने हैं। 3.5 इंच पे हम इसके मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच पे हमने इसकी मार्किंग ली है और 6 इंच तक हमने इसकी प्लेट बनानी है। इसका हमने निशान लगा लेना है और तिकोनी इसकी हमने सिलाइयाँ बनानी है। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन दोनों साइड से लेके दोनों साइड्स पे हम लोगों ने ऐसे प्लेट्स बना लेनी है। और फ्रंट साइड पे भी व्यूवर्स हमने एक तरफ राइट साइड पे जो हमारी एक्स्ट्रा थी उधर हमने प्लेट्स लगानी है। तो बैक नेक के लिए हमने ये आड़ी पट्टी ले ली है और इसको हम लोग अपने बैक नेक पे फिक्स करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर देंगे और एक इसकी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमने अपने शोल्डर्स को ज्वाइन करना है। शोल्डर्स को ज्वाइन करने के बाद इसकी पट्टी को हम क्लोज कर देंगे बैक वाली और अपनी प्लेट्स हम डाल लेंगे बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे। एक साइड पर हमारी प्लेट आएगी क्योंकि एक साइड पे हमारी बटन पट्टी बनी हुई है, तो हम फ्रंट साइड पे बस एक साइड पर ही प्लेट लगाएंगे और बैक साइड पे हमने दोनों साइड्स पे प्लेट्स लगा लेनी है। इससे हमारी बहुत अच्छी लुक आ जाएगी ड्रेस की। पहनी हुई ये बहुत खूबसूरत लगेगी। फ्रंट साइड की भी हमने एक प्लेट लगा ली है। तो इसके बाद हमने अपनी स्लीव्स तैयार कर लेनी है। स्लीव्स की बहुत ही सिंपल कटिंग थी जैसे हमारी होती है, बस उसके आगे हमने प्लेट्स लगाई हैं। ये इसके अंदर कंट्रास्ट का मैंने फैब्रिक ले लिया था डबल फोल्ड करके, इसको इसके आगे छोटी सी प्लेट्स वाली फ्रिल बनाई है और सिंपल इसको हमने यहाँ से स्लीव्स वाली साइड से स्टिचिंग करते हुए इसकी फिटिंग वाली साइड तक आ जाना है। फिटिंग की सिलाइयाँ हमने दोनों साइड्स पर लगा लेनी है। इसके बाद हमने आ जाना है अपने घेरे की तरफ। तो व्यूअर्स, ये हमने अपना जो घेरा कटिंग किया था तो नीचे से मैं इतना ही घेर रहने दूंगी इसका, लेकिन ऊपर से इसका घेर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर से मैं इसका घेर थोड़ा सा कम करूँगी। इसका मैंने घेर ऊपर से 21 इंचेस कर लिया है और इस तरह से हम इसकी मार्किंग करके इसको तिरछा ही कटिंग कर देंगे क्योंकि चुने बहुत ज़्यादा इसकी बनने लगी थी, इसलिए मैंने इसको ऊपर से थोड़ा सा ट्रिम कर दिया। और इसको फिर हमने व्यवस्थित 3 हिस्सों में 3 पार्ट में कन्वर्ट करना है। एक हमारा जो बड़ा पार्ट होगा डबल पार्ट होगा वो हमारा जाएगा राइट साइड पे और जो छोटा पार्ट होगा एक हिस्सा होगा वो जाएगा लेफ्ट साइड पे। एक पार्ट इसका हमने इक्वल डिवाइड 3 हिस्सों में करना है और एक पार्ट इसका हमने कट कर लेना है। वो जो छोटा हिस्सा होगा वो हमने अपने जो बटन पट्टी बनाई है उसके लेफ्ट साइड पे लगेगा और जो चौड़ी साइड है वो राइट साइड पे लगेगा। तो उसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड करके अपनी कंट्रास्ट का फैब्रिक ले लिया है और इसकी लेंथ हमारे जितने घेरे की लेंथ है 29 इंचेस उतनी ले ली है और 2 इंचेस की इसकी चौड़ाई हमने ले ली है। तो ये 2 पट्टियाँ हमने काट ली है और इसकी हमने जो लेंथ जो है अपने घेरे की उसके ऊपर ज्वाइंट करना है। तो इसी तरह से जैसे हमने अपने ऊपर वाली चोली के ऊपर 1.5 इंच के फासले पे लूप्स लगाए थे, इसके ऊपर भी हम 1.5 इंच के फासले पे लूप्स लगाएंगे और इसको अपनी घेरे के साथ ज्वाइंट करेंगे। लूप्स हमने इसी फैब्रिक पे अपनी पट्टी पे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि जो दूसरा हमारा फैब्रिक है वो काफ़ी स्ट्रेची है तो उसके ऊपर थोड़ी मुश्किल होती है। इस वाले फैब्रिक पे सिलाइयाँ बहुत इजीली हो जाती हैं तो मैं इसके ऊपर ही अपने लूप्स अटैच कर लेती हूँ। तो जो ये हमारा बड़ा पार्ट था अपने घेरे का वो हमने उठा लिया है और उसके ऊपर मैं ये
लूप्स वाली पट्टी लगा रही हूँ। पट्टी हमारी ऑलमोस्ट लग गई है और इसको हमने फिर एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है और इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस करके इसके नीचे वाली फोल्डिंग करके प्रेस से ले आना है। तो ये मैं प्रेस करके अच्छी तरह से फोल्ड करके ले आई हूँ। अब इसको सिंपली स्टिच करके पलट के स्टिच कर लेना है। तो जो दूसरी साइड का हमारा पल्ला था यानी लेफ़्ट साइड वाला छोटा पल्ला जो हमारा था उसको सिंपली हमने इस तरह से अपनी पट्टी के साथ अटैच करके उसको पलट लेना है। पलट के अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको भी स्टिच कर लेना है। ऊपर वाली साइड पे हमने इसको जो चुने हैं जितनी भी आती है हमारी वो डाल लेनी है। ये हमारा छोटा जो साइड था वो है। इसी तरह से बड़ा जो साइड था हमारा उस पे भी हम लोगों ने चुने डाल लेनी है। जितनी भी आपकी गैदरिंग आपके चोली के अकॉर्डिंग आती है आपने डाल लेनी है। और फिर पट्टी जैसे हमने ऊपर वाली एक दूसरे के ऊपर रख के अटैच की थी इसको भी अटैच कर लेना है। और यह हमारा फ्रंट घेरा तैयार हो चुका है। बैक घेरा भी हमने गैदरिंग इसकी डाल लेनी है। अच्छी तरह से इसकी गैदरिंग डालने के बाद हमने फ्रंट और बैक दोनों घेरे को साइड स्टिच कर लेनी है। साइड स्टिच करने के बाद हमने इसको नीचे से भी फोल्डिंग कर देनी है। नीचे की फोल्डिंग करने के बाद अपनी चोली के साथ हमने इस घेरे को अटैच करना है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जो हमारी चोली वाली पट्टी है वो घेरे वाली पट्टी के बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह सेम जगह पर आनी चाहिए स्टिचिंग में। तो इसको हमने अच्छी तरह से इसको पट्टी के ऊपर पट्टी को रख लेना है और इस तरह से इसको स्टिच करना है। यहाँ से हम अपना स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सारे घेरे को हमने अपनी चोली के साथ ज्वाइंट कर देना है। एंड लास्टली हमने अपना ये इनर वाला घेरा उठा लेना है। इसकी कोई भी इतनी सिलाइयाँ नहीं है, सिर्फ नीचे का हमें सिर्फ इस पे घेरा जो फोल्डिंग है वो करनी है। और इसके साइड्स भी फोल्ड हैं, साइड्स हमारी क्लोज्ड हैं। बस हमने इसको फिर अपनी चोली के साथ ज्वाइन कर लेना है इसके सर्कल को। वेवर्स फ्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। फाइनल लुक आप ज़रूर चेक करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।